हेलो गाइस, तो आज के हम वापस से 1v1 करने वाले गाइस ब्रेजी के साथ। एंड इसी मैच में गाइस अनएक्सपेक्टली मेरे को नहीं लगता गाइस ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेकिन मेरे हिसाब से गाइस ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है। मतलब अनएक्सपेक्टेडली वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है गाइस। देखो यार कैसे बना गाइस, इतना अनएक्सपेक्टेडली बन गया ना। देखो मैं इसके सिर पे आया एंड गाइस उसका जंप ग्लिच करवा के एंड मैं खुद ही आगे भाग गया। एंड गाइस देख सकते हो मैं बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँच चुका हूँ ऑलमोस्ट। एंड यहाँ पर मेरे को जो पहले में अभी मैंने टेक्स्ट बॉल का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा उसमें 23.30 था एंड मैंने 23.28 के में कर दिया। तो मुझे नहीं पता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि नहीं, मुझे कमेंट से बता देना कि किसका वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी है। तो यहाँ पर अभी फाइनल बढ़ते तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड की तरफ, तो यहाँ पर ब्लेजी वैसे स्कारलॉर्ड वापस हो रहा है गाइस, लाइक दबाना मत भूलना। तो ब्लेजी हमसे अभी आगे चल रहा है, बस मेरे को ये उम्मीद थी भाई इसको एक बॉल इतना ज़ोरदार बजा देना भाई इसका गाल सूझ जाए, तो इसके बॉल एकदम बगल से जाता है एंड इसको हैमर भी नहीं पड़ते। और कैनन पता नहीं अपना आज मुंह उधर क्यों लटका के बैठा है भाई, हमेशा तो उधर ही लटकाता है। और यहाँ पर देखना एक बॉल आया एकदम हल्का सा टच किया भाई, एकदम हल्का सा, पता नहीं मेरा कैरेक्टर कैसे फेंका गया। कोई नहीं यार, ब्लेजी का विन होने वाला था वैसे भी, तो ब्लेजी यहाँ पर जीत चुका है अपना पहला मैच। तो यहाँ पर ब्लेजी का स्कोर हो जाता है गाइस यहाँ पर 1 हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर अभी देखते हैं यार ये सेकेंड राउंड कौन जीतना है। तो ये सेकेंड राउंड नहीं है, 8th क्वालिफायर है। तो लेट्स गो देखते हैं, अगर मैं भाई फाइनल बना तो भाई 3 मिनट की वीडियो बनती तो मैं 3 मिनट में भाई क्या ही हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैं मस्त में जा रहा है, देख रहे हो ब्लेजी को इतना गंदा पड़ा ना, और यहाँ पर मुझे ही पड़ गया भाई, पता नहीं यार मेरे से दुश्मनी क्या है। और हाँ जिनको भी नहीं पता गाइस, हम लोग ने स्ट्रीमिंग जहाँ मैं स्ट्रीम करता हूँ एंड वॉइस ओवर करता हूँ वो प्लेस मैंने रिवील कर दी। कहाँ पर रिवील की, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया मैंने अपने सेकंड चैनल पे किया है। एंड गाइस जाओ यार जाके देख लेना एंड उसके सब्सक्राइब भी कर देना। एंड गाइस जिनको भी नहीं पता कि यार हमारे सर्वर पे हर मतलब एक वीक करेंगे, फिर एक वीक छोड़ के हम गिव अवे करते हैं 40 रुपीज़ का। तो कैसे वो गिव अवे होता है कैसे सब मालूम पड़ जाएगा आपको, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कर लेना। एंड यहाँ पर सेकंड मैच चालू हो जाता है, ओवर एंड अंडर आता है। यहाँ पर भाई ब्लेजी एकदम टक्कर पर चल रही है, ब्लेजी यहाँ से पता नहीं कैसे आगे निकल जाता है। और यहाँ पर मैं समझ गया भाई अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हो जाएगा। तो यहाँ मैंने जंप एंड ड्राइव करने की कोशिश की, तो उसने देखो क्या रोका मेरे को भाई, वो समझ गया था कि वापस से मैं इसके सिर पर बाउंस होकर चला जाऊँगा, तो उसने अच्छा दिमाग लगा लिया एंड वो यहाँ से चला गया। तो उसका भी हो जाता है गाइस यहाँ पर 2 पॉइंट हो जाता है उसका, मेरा अभी तक 0 है। लगता है अभी कुछ करना पड़ेगा यार भाई। और हाँ अभी से गाइस कमेंट में गेस कर दो कि गाइस कौन जीतेगा, मत करिए मत करो मत, सबको 90% पता है गाइस कौन जीतना, सबको पता है, मेरे को भी पता है भाई कौन जीतने वाला है, तो फ़ायदा ही नहीं है भाई। और हाँ अभी वीडियो लीव करके मत चलना, अरे भाई ये मेरे को पता है कौन जीतेगा, तेरे से बस की नहीं है, ऐसा होता भाई चालू हो जाएगा मेरे को मालूम है। तो कोई नहीं यार चलता रहता है सब, लेट्स गो गाइस। यहाँ पर अभी बॉम्बार्टमेंट आ चुका है यार, तो बॉम्बार्टमेंट छोड़ते हैं इसमें, तो भाई चलता रहेगा अपना मुक्के विक्के। तो अभी जब आप हमें सर्वर ज्वाइन करोगे अनाउंसमेंट चेक कर लेना गाइस, अनाउंसमेंट में सब लिखा रहेगा गाइस, सब लिखा रहेगा। आपको कुछ भी डाउट रहेगा हमारे मॉड्स से पूछ लेना, मॉड्स बता देंगे। तो लेट्स गो यहाँ पर थर्ड राउंड आ चुका है गाइस, फिर से ओवर एंड अंडर एंड दोनों की पोजीशन ऑलमोस्ट सही थी और ब्लेजी मेरे पीछे से आया। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में लीड मिलके थे, अब ये मेरे पास यही चांस था कि इसको आगे बिल्कुल भी ना आने दूँ। तो मैं यहाँ से फिर इसको ब्लेजी को बता था कि मेरे पीछे से आते रहेगा तो हो गया इसका काम। तो ऊपर से आता है एंड यहाँ पर ब्लेजी से हल्की से चूक हो जाती है एंड यहाँ पर मैं आ जाता हूँ आगे, यहाँ पर मैं बिना आगे आ जाता हूँ एंड यहाँ पर गाइस खुशी होती है यार ज़रा सा कि 5-0 से हारने से अच्छा कुछ तो स्कोर बना ले। तो यहाँ पर हम लोग ने एक स्कोर बना लिया, फाइनली 2-1 स्कोर हो चुका है एंड क्या ही बताया अब यहाँ पर। तो यार वो सब तो अपना चलता रहता है। तो लेट्स गो यार ब्लेजी वर्सेस करने भाई, बहुत मज़ा आया अपने को 1v1, बहुत दिनों बात कर। पिछली बार मैंने 1v1 किया था 7v3 हुआ था यार स्कोर, मतलब मेरा 3 उसका 7 हो गया था। तो क्या ही करें अब, पिछली बार तो बहुत ज़्यादा उठता मैं, और मैं ना भाई हर दिन पहले हर दिन है ना, हर दिन नहीं 2 से 3 दिन में भाई 2-4 मैचेस खेलता था, इसलिए मेरा पूरा गेम प्ले बिगड़ गया था। अभी हर दिन मैं 10 राउंड्स ले लेते ऑलमोस्ट, कभी कभी ज़्यादा भी खेल लेते हैं ना। पता नहीं ब्लेजी क्या हरकत कर रहा था, फेंका गया वहाँ से, पता नहीं क्या कर रहा था, तो उसका तो चलता रहता है। तो यहाँ पर उसको पंच मारने की कोशिश की लेकिन चूक गया एंड यहाँ पर ब्लेजी खुद ही फेंका गया, तो यहाँ पर मैं भी फेंका गया भाई देख रहे हो। तो अभी मेरे बगल में तो हम दोनों पंच लगाए, तो अभी पंच का अभी टाइम नहीं हुआ। तो अभी यहाँ पर आती इसको एक ज़ोरदार मारने का था लेकिन भाई आता ही नहीं, और यहाँ पर अब जब आया तो भाई क्या ही हो गया, मतलब भाई चलते एंड यहाँ पर वापस से फाइनल मारे थे ओवर अंडर, पता नहीं क्यों भाई क्यों आया जा रहा है। तो यहाँ पर मेरे को हल्का सा आगे रखा है, देख रहा हूँ हल्का सा आगे था
एंड मेरा हल्की सी पोजीशन भी अच्छी थी, मैं ब्लेजी को जानबूझकर उसको आगे जाने नहीं दिया, हल्का सा भी आगे निकल गया तो हो गया मेरा काम तमाम। और यहाँ पर मेरे को वापस एक चांस मिल चुका था, यहाँ पर मैं फुल स्पीड से आ रहा था एंड यहाँ पर एकदम मस्त में निकल गया इसमें, एकदम स्मूथली ओवर एंड अंडर मैंने पूरा मास्टर कर रखा। बस भीड़ भीड़ में धक्का विक्का लगने के वजह से मैं हक देता हूँ एंड यहाँ पर ब्लेजी ने बहुत अच्छा टक्कर दिया था गाइस, इसी बात पे एक लाइक बन जाता है गाइस, दोनों ने बहुत अच्छा खेला, एकदम इंटेंस चल रहा था गाइस ये मैच। तो यहाँ पर गाइस स्कोर हो चुका है 2-2 हो चुका है एंड जो फाइनल मैच था वो मैं रिकॉर्ड ऑन करने ही भूल गया। एंड ब्लेजी भाई पता नहीं उसका भी क्या हुआ, उसका रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो वो सब तो छोड़ चलता रहता है। एंड फाइनल में आया था लावारिश, आया था 5th मैच में एंड उसमें क्या होता है बीच हम दोनों एकदम करीब चल रहे थे लेकिन बीच में ब्लेजी कुछ हैवी ड्राइवर वाला ट्रिक करने की कोशिश करता है एंड वो लावा में हल्का छू जाता है और वो पीछे और वो मतलब एलिमिनेट हो जाता है, मीन्स समझ ला वो मर जाता है। और मैं यहाँ से बहुत आगे था उस मैं फिर एक भी बार बिना हगे मैं पूरा अच्छे से चला गया था और फिर ब्लेजी लावा में गिरते ज़रा देर बाद डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, तो कुछ नहीं यार चलता रहता है। फेयर विन था गाइस मेरे को पूरा, तो यहाँ पर ये 1-1 गाइस मैं जीत जाता हूँ एंड ज़रा मतलब मेरे को ऐसा चाहिए था यार कि मतलब ज़रा अलग अलग मैप्स है भाई, ये तो एक ही मैप आ रहा था भाई, क्या ही करें अब तो छोड़ो यार सब चलता रहेगा। तो यार हम दोनों बराबर के प्लेयर है, तो यार यस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स रहेगा, ज्वाइन कर लेना। बाय बाय।